तो दोस्तों, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है तो आप खुद अपना यूट्यूब बैनर बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई लैपटॉप या पीसी है तो आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। अगर लैपटॉप पीसी वगैरह नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप पिक्सेल लैब या पिक्सेल आर्ट से भी अपना यूट्यूब बैनर बना सकते हैं। ये तो सब जानते हैं जिनको यूट्यूब बैनर बनाना आता है। और जिनको ग्राफिक डिजाइन के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, वो लोग अपना बैनर कैसे बनाएंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसको बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यूज करते हैं अपना यूट्यूब बैनर बनाने के लिए। इसमें आपको बहुत सारा बैनर का प्रीसेट मिल जाएगा, बस थोड़ा सा आपको एडिट करना है और आपका काम हो जाएगा चुटकी भर में। ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, बस एक आपको अच्छा सा बैनर को चूज करना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे आपको क्या कुछ करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर पर आना है। ब्राउजर पर जैसे ही आएंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है canva.com, ठीक है। तो यहाँ पर मैं canva.com लिख के सर्च कर दिया हूँ और यहाँ पर जो आ जाएगा वेबसाइट, पहले वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर जो कैनवा का जो सर्च बार है, इसमें आपको टाइप करना है यूट्यूब बैनर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब बैनर लिख के सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे ही सर्च करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बहुत सारा बैनर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पेड वर्जन है और प्रो वर्जन है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनिए, पेड वर्जन और जो प्रो वर्जन है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ता है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वाला फ्री वाला अभी आप देख सकते हैं, ये वाला जो ये वाला पेड है, ठीक है। तो ये वाला भी पेड है, ये वाला भी पेड है और ये वाला फ्री है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पेड या प्रो कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैनल के कैटेगरी के अनुसार आपको बैनर को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आपका टैग कैटेगरी है तो टैग का बैनर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी बैनर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कुकिंग मतलब कुकिंग चैनल का जो बैनर है यहाँ पर मुझे मिल चुका है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इसको अभी हम एडिट करेंगे। तो इसको एडिट करने के लिए यहाँ पर कैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर आ चुका है। तो जो फोटो पहले इसको हमको चेंज करना है, ठीक है। तो अपना फोटो लगाएंगे क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए यहाँ पर आपको रिप्लेस पर जाना है। रिप्लेस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको गैलरी पर जाना है, ठीक है। तो अपलोड फोटो पर जाना है, अपलोड फोटो पर जाने के बाद गैलरी पर जाना है। गैलरी से यहाँ पर कोई भी फोटो यहाँ से आपको उठा लेना है, ठीक है। तो आपको जो भी फोटो पसंद है उसको उठा लेना है। तो यहाँ पर फोटो लग चुका है फाइनली। और यहाँ पर अभी हम ऐड करेंगे चैनल का नाम। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, अपना कुकिंग चैनल तो है ही नहीं वैसे ही। तो यहाँ पर खिरोद किचन ऐसे मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से अपना चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है और अच्छा से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बनी बनाए बैनर मिल जाते हैं, बहुत ही आराम तरीके से मिल जाते हैं। अगर आप बनाएंगे पिक्सेल अब या पिक्सेल आर्ट से तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली मैं नाम लिख दिया हूँ और जो नीचे वाला है इसको मैं कुछ लिख दूंगा सब्सक्राइब फॉर मोर, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर अपना वीडियो में जितना टाइम पर आता है वो उसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिख देता हूँ सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लिखना है, जो भी आपका मन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बैनर एकदम रेडी हो चुका है। तो इसको अभी हमको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं डाउनलोड तो हो गया। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं थोड़ी देर आपको वेट करना है, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करने के बाद अभी हम देखेंगे ये वाला जो बैनर मैं बनाया हूँ वो यूट्यूब पे सेट होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं गैलरी पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हम जाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो यूट्यूब पर जाने के बाद हम ऐड करेंगे अपना बैनर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चैनल पर जाता हूँ और यहाँ पर हमारा बैनर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा बैनर। तो अभी आप देख सकते हैं फाइनली हमारा बैनर सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ, कोई भी अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग उतना नहीं आता है तो आप कैसे कोई बिना एप्लीकेशन की मदद से कैनवा का वेबसाइट से आप कैसे बैनर बना सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीके से। सारे कुछ बता दिया हूँ, कैसे कुछ करना है, क्या करना है, डाउनलोड कैसे करना है, सारे कुछ बता दिया हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके जाना है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।